ये भी अभी जो कर रहे थे हम, ये रोमांटिक सीन तो नहीं था, लेकिन कपल डांस तो साथ में ही होता है, तो उसमें अगर आप रोमांस के नज़रों से देखें तो आपको रोमांस दिखेगा, अगर आप किसी और झगड़े की नज़र से देखें तो आपको वो भी दिखेगा, वो देखने वाले के ऊपर है आई थिंक। लेकिन रोमांस आई थिंक आने में थोड़ा सा टाइम है। जैसे देखोगे वैसा दिख जाएगा, लेकिन हमारी ये कोशिश है, और हम लड़ाई में भी अगर डांस कर रहे हैं तो अपनी ऑडियंस के लिए, अपने फैंस के लिए कर रहे हैं, ताकि क्योंकि उनको पसंद है। और हमारा ये है कि अगर हमारी कहानी में लड़ाई है, स्टोरी में लड़ाई है, या हम एक दूसरे को नापसंद करते हैं, उसके बाद भी अगर हम जो कर रहे हैं छोटी छोटी एक्टिविटीज़ या छोटी छोटी हरकतें, वो सिर्फ आपके लिए हैं। तो बाकी कोशिश करेंगे आगे कि थोड़ा सा और प्यार बढ़ाएँ। इनके हाथ थामने से परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, उनको अच्छा ही लगेगा, लेकिन चीज़ें ऐसी हो गई हैं नित्यम की लाइफ में और उसके बिजनेस में, जो उसको बड़ा लॉस हुआ है, कि उससे वो लोग परेशान हैं। तो नित्यम से कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूरी आई है तो शायद इनके लिए आई है, क्योंकि इन्होंने विश्वास तोड़ा है, इन्होंने ऑटो रिक्शा चलाया है जो किसी को नहीं पता था, तो दूरी थोड़ी सी इनके लिए बड़ी है। और मुझसे जो चीज़ें ठीक हुई थी वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं ख़राब हुई हैं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये ठीक हैं या धोखा नहीं देंगी, अब इन्होंने धोखा दिया, मजबूरी के लिए किया, घर के लिए किया आपने, वो यही जाने, तो ऐसा नहीं है, मतलब दूरी है तो अभी इनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये फ़िलहाल मेरा एक डायलॉग भी है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं मिस्टर इंडिया हूँ, मतलब मैं घर पे हूँ लेकिन इतना नज़रअंदाज कर दिया गया है हर किसी के तरफ से, इतना ज़्यादा इग्नोर्ड फील होता है कि ऐसा लगता है मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। गलती भी बड़ी थी तो उनका भी ऐसे बिहेव करना जायज़ है, तो सब बस झेल रहे हैं एक तरह से कि ठीक है, ये 5 दिन के बाद ये जो इवेंट है गोल्डन जुबली एनिवर्सरी यूडी और दादू की, ये ख़त्म हो जाए और फिर ये चली जाए, तब तक जो हमें दिखावा करना है मीडिया के सामने वो कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मीडिया इवेंट वही होने वाला है और उस समय लोग पूछेंगे कि अगर सावी नहीं रही तो उस समय ज़रूर पूछेंगे, तो इसीलिए तब तक उसको रख रहे हैं घर पे और उसके बाद में शायद बोलेंगे कि आप जाइए। फैंस को यही कहूँगी कि वील ट्राई आर बेस्ट कि आपको जो चाहिए हम वो डिलीवर कर सकें, हम आपका मैसेज पहुँचाएँगे, एंड थैंक यू फॉर लविंग आर शो और सपोर्ट करने के लिए, एंड कीप वॉचिंग सावी की सवारी। आपने बोला उनको रोमांस देखना है, हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि सबको सब कुछ दिखाएं। यूथ है जिनको रोमांस देखना है, घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जिनको थोड़ा सा बड़ों का प्यार या सास बहू का प्यार, कपल का प्यार हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, हर तरह की ऑडियंस है, तो हम कोशिश करते हैं कि हर तरह की जो कहानी को एक साथ लेके चल सके। लेकिन अगर आपको रोमांस पसंद है तो हम वो भी एक दिन ज़रूर लाएंगे। प्यार देते रहिए और देखते रहिए सावी की सवारी।